ये जो आपके जियो टेक्निकल ये काम करने वाले हैं, ये सब सनसिंक्रोनस सैटेलाइट होते होंगे, तो इसका पीरियड कितना, मतलब 24 घंटे का रहता है? नहीं, दे आर सन सिंक्रोनस। इफ यू आर आस्किंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, मतलब वो दे तो आर सन घूमते रहते हैं ना, सिंक्रोनस। नॉर्थ टू साउथ, ऐसे ऊपर हाँ से नीचे। हाँ तो उनका जो हम बोलते हैं उसका स्वात एनालिसिस कि व्हाट इज द रिपीटेटिव कवरेज एट व्हाट, तो इट वेरीज फ्रॉम सैटेलाइट टू सैटेलाइट, ठीक है ना। सम आर हैविंग 7 डेज पास में, आज इंदौर है बुधवार को, तो नेक्स्ट बुधवार को फिर इंदौर आएगा। तो डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट सैटेलाइट्स हैव डिफरेंट स्वात एंड डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग, अच्छा, ऐसा। पर वो आएगा उसी टाइम, मतलब 12 बजे हाँ से उसी बारह टाइम बजे आएगा। हाँ, यू कैन ताकि मेजर उसका दस एंगल बज के थोड़ा सही रहे। हाँ हाँ 10:15 पे आ रहा है हाँ आज की तारीख में। टुडे इज व्हाट, टुडे इज 4:15, तो हाँ 22 22 तारीख को 10:15 पे आएगा। क्योंकि फिर हमको ट्रैकिंग करना पड़ता है ना, पहले टेलीमेट्री टेलीकमांड में अर्थ स्टेशन सैटेलाइट को ट्रैक करते हैं ना। इंडिया में आता है तो इंडिया में भी क्या, इंडिया इज वेरी, तो वी गॉट डिफरेंट अर्थ स्टेशंस। उसका जो पाथ होता है, कम सम इंडिया का पाथ कबर नॉर्थ साउथ होता है, कबर ईस्ट वेस्ट होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड एंड इफ यू गो टूवर्ड्स नॉर्थ, तो हिमालय का डिस्टेंस विड्थ अधिक है, तो इट विल टेक मोर टाइम। इफ यू कम टू साउथ नैरो होगा तो उधर कम होगा। सो अच्छा यू हैव अच्छा टू ट्रैक द सैटेलाइट एंड देन यू अर्थ स्टेशन उसको रिसीव करते हैं सिग्नल्स, ये सब होता है। सो देयर आर इसरो हैज बीन, वी गॉट नंबर ऑफ एंड एवरी सैटेलाइट हैव अ डिफरेंट अर्थ स्टेशन, ऐसा होता है। अच्छा नॉर्थ ईस्ट में स्टेशन होगा, कश्मीर में होगा, दिल्ली में होगा, भोपाल में होगा, चेन्नई में होगा, बैंगलोर में होगा, जयपुर में होगा। तो इट डिपेंड्स व्हाट एक्चुअली द कंट्री वांट्स। और आप कह रहे थे अभी रिजोल्यूशन हाफ है मीटर बाय हाफ है मीटर हो गया है ना, मतलब उधर से। अब ये कम फॉर दैट फॉर आर्टिफिशियल, वी हैव अ डिफरेंट सैटेलाइट्स तो वे व्हिच आई गॉट अ रिजोल्यूशन ऑफ हाफ ए मीटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाफ मीटर मतलब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हाफ मीटर मतलब उसको फीट में कन्वर्ट हाँ करो तो 1.5 फीट के आसपास। भाई 50 सेंटीमीटर यू कैन मतलब। आइडेंटिफाई योर ह्यूमन बीइंग स्टैंडिंग ऑन द रोड। अच्छा, चलो, गुड, वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर अभी अच्छा, 10 मिनट और लूंगा, 10 15 मिनट का रहेगा। वन केस स्टडी आई एम गोइंग टू डिलीट व्हिच वी नहीं डिड नहीं इन बहुत जीएसटी। इंटरेस्टिंग, बहुत डेटा कलेक्ट किया है आपने बहुत जगह से। हाँ ओके पढ़ाते थे ना व्यवहार साहब, तो ओके पढ़ाने में ये तो सिंपल है। फिर देन लेटर ऑन इन एडवांस रिमोट सेंसिंग वी टू गो फॉर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो डिजिटल इमेज में डेटा पूरा व्हाट यू कॉल, डेटा रजिस्ट्रेशन से लेके डेटा एनहेंसमेंट से लेके उसके बाद में स्पेक्ट्रल सिग्नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, देन क्लासिफिकेशन इमेज, उसके बाद में एक्यूरेसी ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड वो पूरा प्रोजेक्ट्स के हमने बहुत किए। मैंने आई हैव डन 8 to 10 प्रोजेक्ट्स अंडर रिस्पॉन्ड फ्रॉम इसरो गुड, अच्छा एंड है। वन और टू प्रोजेक्ट अंडर डीएसटी आल्सो, वी डन अंडर डीएसटी आल्सो। काफी कुछ किया हमने, मैपकॉस के साथ भी काम किया था। अब किया जो कुछ उसमें आते गया, करते गया करते गया। अभी भी चलिए, नैनो सेटलाइट, अभी भी नैनो सेटलाइट बनाने में लगे हुए हैं। अच्छी बात है। वो कल सुना मैंने, वो कल लेडी का लेक्चर बहुत अच्छा था। मैंने कल नहीं सुन पाया मैं। अच्छा, वो उसने जो स्वयं था ना पूना वाला, हाँ, हाँ, वो सीओपी वाली थी, यूनिवर्सिटी सी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी काहे पे अभी, बोली थी तो वो, काहे पे बोली थी वो। शी सेड कि वो स्वयं का प्रोजेक्ट जो उसको करने में 8 साल लगे उनको। उसका मेन चीज ये कहना थी कि वो सबसे पहले कोई प्रथमेश करके आईआईटी बॉम्बे ने सैटेलाइट बनाया था, तो उनको ग्राउंड स्टेशन चाहिए था, तो उन्होंने सीओपी पुणे से रिक्वेस्ट करी, तो सीओपी के बच्चे ने बोला कि अपन भी बनाते। उसको 8 साल लगे उनको बनाने में, शी वाज सेइंग, और तब से हाँ लॉन्चिंग फाइनली हो दैट्स ट्रू। अभी हम भी लगे हुए हैं, अब देखो अब क्या होता है। मिस लेटेस्ट सी, हाँ जाएगा और क्या। एंड शी से इसरो हेल्प से लॉट, मतलब इसरो बहुत मदद करता है उसमें। पैसा चाहिए ना। और नहीं पैसे देखो, पैसा भी आ जाएगा, इसमें मदद कर देगा, मगर उस मदद को लेने लेने वाला आदमी तो होना चाहिए ना। स्टूडेंट्स, उसने कहा स्टूडेंट को उन्होंने बहुत रिकवर किया, और स्टूडेंट करते अरे रहे। स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या होती है, ये प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारे बच्चे सेकंड थर्ड ईयर तक पहुंचते हैं, उनका रिसर्च एप्टीट्यूड कितना है, वो तो जॉब चाहिए, पैसा चाहिए ना भैया को, आप समझ रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो उनके चलिए यहाँ भी था, पर उसने कहा कि वो 8 बैचेस में थोड़ा 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 करके फाइनली उन्होंने किया। ठीक लेट मी स्टार्ट विद एन एप्लीकेशन। ओके, चलो, लेट मी थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ऑल आर ऑनलाइन एंड लेट मी स्टार्ट अ सेकंड फेज। आई एम गोइंग टू डील विद द वन केस स्टडी व्हिच वी डिड इट ऑन रिमोट सेंसिंग जीआईएस टेक्निक्स इन रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट अलॉन्ग विद अर्बन गोस्ट स्टडी ऑफ इंदौर। एक हमने प्रोजेक्ट किया था, इट वॉज फंडेड बाई डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
we had a team where I was a we call a PI or PI, Dr. Narulkar, a research scholar with Arvind Kumar, we did it. Let us come. It is a very one interesting case history. I think Vahare will appreciate. Can I have a next one? The objective of this project was that revenue management information system is special or non-special. What is revenue? Property tax. वो बड़ी चीज होती है. हम लोग property देते ही नहीं हैं. We are not habitual of giving property tax. हम देते हैं क्या देते हैं हमको मालूम नहीं होता है. तो what we did, it was a joint project with Indoor Municipal Corporation and of course GSTI was the nodal agency. We have what you call taken the information from municipal corporation for one particular ward ki ek makan ka kitna property tax hai, theek hai, or you will come later on. So this was one special and non special, matlab ki ek information tabular form mein hai nagar nigam ke paas mein wo li, aur ek humne satellite image bhi liya uske baad mein. Second was infrastructure management information system MIS, particularly for surface drainage and surface water supply. पानी की हमेशा समझ. दिस इज वेरी ओल्ड प्रोजेक्ट ऑफ 2006-2007. आई एम टॉकिंग बट मस्ट बी अबाउट ऑलमोस्ट 16 इयर्स बैक दैट वी डिड दिस प्रोजेक्ट. पानी की बड़ी समस्या होती थी. पानी का वाटर मैनेजमेंट वाज वेरी प्रॉब्लमेटिक क्योंकि इंदौर में नर्मदा का पानी आता है, बहुत टैंक से आता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कभी भरता नहीं है, कभी प्रॉब्लम आती है. तो वी टॉक दैट देयर शुड बी सरफेस ड्रेनेज एंड सरफेस वाटर सप्लाई, दो चीजों का था. एंड प्रिपेयर अर्बन स्पॉल मैप फॉर द पर्पज ऑफ अर्बन ग्रोथ. भाई शहर कहाँ जा रहा है. उस समय रिंग रोड बनी हुई थी, बाईपास भी बन रहा था. सब पीपल ऑल दे वर व्हाट यू कॉल कन्वर्टिंग सेलिंग द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, एंड कन्वर्टेड इनटू व्हाट यू कॉल चेंज ऑफ लैंड यूज. दैट वाज अर्बनाइजेशन, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. तो इंदौर जो रिंग रोड है, इंदौर बाईपास है, उसका एक आई विल गिव यू इमेज. दैट वाज वन थ्री ऑब्जेक्टिव व्हिच वी हैव फिक्स्ड इन कोलैबोरेशन विद इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. कैन आई हैव अ नेक्स्ट. So this is an action plan that I will not explain. कि किसकी क्या responsibility है. Development of revenue management system, that was our responsibility. Data generation on amount of revenue, municipal corporation देगा table form में. Evaluation data that GSTI will do. Development of MIS, GSTI will do. So can I have a next? So this was the what you call activity plan. We call it to be you may call कि management information system जो भी होता planning करनी पड़ती है चीज अंदर. Can I have a next? Then we have a what you call generation of household data. एक एक मकान का डेटा रखता है भाई इसके अंदर. एक मल्टी है, मल्टी के अंदर 5 फ्लोर है, एक फ्लोर पे 5 फ्लैट है, तो 25 फैमिली रह रही है. वो 25 फ्लैट का 25 रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा. तो कोई साइज फ्लैट की साइज 2000 स्क्वायर फीट है, किसी की 1000 है, तो डिफरेंट इनपुट इज रिक्वायर्ड कि 1000 का कितना प्रॉपर्टी टैक्स है, 2000 का कितना प्रॉपर्टी टैक्स है. इसको हमने इमेज प्रोसेसिंग से लिंक किया है ना. देन इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैप्स, टेबल्स, आउटपुट. अल्टीमेटली एवरीथिंग विल कम इन द फॉर्म ऑफ मैप और अल्टीमेट कॉल नो टेबल. दिस इज अवर आउटपुट फॉर नेक्स्ट. नेक्स्ट कब आएगा. दिस इज द टेरिटरी ऑफ इंदौर. This we got it from Indore Municipal Corporation. We selected one particular ward that was around my own Manohar Maganj, that was selected with the help of municipal commissioner. Is ward mein kya tha, Indore ke ward ke andar there is what you call slums, be the Gwaltoli ka area tha. Dusra kya tha ki Manohar Maganj bade plots the un bech ke wahan pe multi banne lag gayi. Phir if you go on the side then there was schools with agriculture college और सेंट पॉस आ जाता था, उधर एग्रीकल्चर फील्ड्स भी आते थे. स्कीम नंबर 140 आ रही थी, दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ऑफ स्कीम नंबर 140. फिर हम घूम के आते थे रिंग रोड पे आते थे. रिंग रोड से घूम के हम आए तो टुवर्ड्स वी कम टू बंगाली चौराया और उधर क्रॉस करके हम पलासिया पॉइंट. दिस वाज इट टोटल कवरेज स्टार्टिंग फ्रॉम तिलक स्टैचू गोइंग टू व्हाट यू कॉल सेंट पॉल गोइंग टू रिंग रोड स्कीम 140 देन गोइंग टुवर्ड्स बाईपास. तो बाईपास से घूम के बंगाली चौराहे से घूमते घामते आके इंदौर. दिस वाज अ टोटल एरिया ऑफ वर्क. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. दिस इज द आउटर बाउंड्री मैप शोइंग बाउंड्री वार्ड नंबर 63. दिस इज ये हमारा पूरा एरिया का शेप था. दिस वी गॉट इट. एंड नेक्स्ट. दिस या दिस इज द मैप शोइंग बाउंड्री ऑफ वार्ड नंबर 63. यू कैन identify that how much
congested this land was, complete township. Okay, this is the water boundary. पूरी अपने boundary yellow line है और जो अपने पहले boundary देखी थी वो super impose कर दी है वार्ड नंबर 6. तो इसके अंदर आपको urbanization दिखेगा, आपको agriculture field दिखेंगे, आपको roads दिख रही हैं, roads भी दिखेंगी. Everything you will find out. मैं zoom करूँगा आपको बताऊँगा next. So this is the outer boundary of and it was taken with Iconos image. उस समय Cartosat launch नहीं हुआ था. एक Iconos satellite था उसके हमने image ली थी. Can I have a next please? This is zoomed once again. This is zoom. You can enjoy. This is the complete boundary of ward number 63. The agriculture college का area है पूरा agriculture fields है पूरे agriculture fields है यहाँ पे different colony है बीच में plots है और अभी zoom करेंगे आपको बताऊँगा क्या होता है. Can I have a next please? वन सेकंड वो ही है नहीं थोड़ा बदल गया जस्ट वेट फॉर अ मिनट. नेक्स्ट दिस इज वन ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट या दिस इज दैट इंफॉर्मेशन विच वी गॉट फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. This is नगर पालिका ने वार्ड नंबर 63. This is locality was मनोरमागंज. उसके अंदर उनके invoice number थे, उसके अंदर ownership का details थे, उसमें area का था and what you call area and square feet. Every house information was provided to me by municipal corporation for one. This is sample data. For Manorama Ganj. Can I have next? This is one Greater Brajeshwari colony. जो scheme number 140 में आती है. इसमें क्या हो गया था? What showing? I'm just cut short कर रहा हूँ. कि owner's name was श्रीमती राजवती, wife of धर्म सिंह. The address was plot 8B1 Greater Brajeshwari colony. अच्छा, इंदौर municipal corporation के record के अंदर उनके मकान का एरिया 139.29 स्क्वायर मीटर था. जब हमने मेजर किया टोटल स्टेशन से, टोटल स्टेशन इज अ वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट इवन टुडे आल्सो दैट यू मेजर द कंप्लीट प्लॉट. इट वाज 171.39. इन्होंने क्या किया, आई एम नॉट ब्लेमिंग, अपने प्लॉट की साइज छोटी कर दी पैसा बचाने के लिए. नाउ दिस इज वन एग्जाम्पल, 139.32 एंड 139.88. तो कई बार हमको सही डेटा भी मिला, 139.88 and Iconos image was giving 111.733 meter. Now there's a difference because satellite will give you a synoptic view. Projections is a different land. Jameen to measure karoge to dusri aayegi aur aasman se jab measure karoge to different aayega. So this was one sort of a learning also that how much error can be there, minimum max. Aur humne jo data use kiya bahut purana data tha, that was very difficult to get a data at that time. Iconos leke aana, ab to Indian satellites aane lag gaye us waqt, the bhi nahi 2006 mein Cartosat aa gaya. So this is one. Can I have a next? Same go next. So we have taken so much 823 houses. Next go for Brajeshwari ke. Next please. 33. So this is one Brajeshwari colony. They were having 33 plots at that time. Now what we did, we identified this plot which is having a blue boundary. ये हमने उसकी boundary में zoom किया हुआ है, so image blurred हो रही है. Image signal बोलते हैं ना, pixel फट जाते हैं, pixels फट जाते हैं, इसको हम शुद्ध भाषा में बोलते हैं. Now this is the plot and if you put यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको ये इनपुट आएगा. हम लिंक कर दिया स्पेशल डेटा को नॉन स्पेशल, जो टेबुलर डेटा था तो उसमें मालिक कौन है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आ गई. दिस वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन. प्लॉट डिटेल्स ऑफ वन ऑफ द हाउसेस लाइक दिस. यू कैन हैव सेकंड हाउस, उसमें मकान बने थे, पूरे एग्रीकल्चर लैंड था. दिस इज द रोड गोइंग ऑन दिस, यू कैन अंडरस्टैंड. 2006 की बात कर रहा हूँ, उस समय आज 23 चल रहा, 17 साल पहले कहाँ इंदौर था, कहाँ हम पहुंच गए. कैन हैव अ नेक्स्ट. See how the this is the agriculture land. ये भी इस agriculture को इन्होंने convert कर दिया. The land use has changed.
यू कैन आइडेंटिफाई, आप तो सब भर गए सब मकान में गए, एक एक मकान को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं सब, वी कैन गो फॉर एरिया एस्टिमेशन, शेडो भी रहेगी रहेगी सब, रिमोट सेंसिंग से सब सॉफ्टवेयर आ गए आजकल तो सब निकाल सकते हैं, उसका प्रोजेक्शन कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, इमेज को वर्टिकल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग के, एंड दिस विल गिव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी हाउस लाइक दैट, यू कैन आइडेंटिफाई द हाउस. नेक्स्ट, ये ब्रजेश्वरी के हैं पूरे के पूरे. नेक्स्ट, सेम प्लॉट डिटेल, एक एक मकान की नप्ती की थी हमने, शुद्ध भाषा में बोले एक एक हाउस टोटल स्टेशन जाके हमने मेजर किया है, हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने हम लोगों ने मिलकर. ना इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सेकंड, या दिस इज द टोटल स्टेशन एंड दे आर द थ्री रिसर्च स्कॉलर्स हु आर वर्किंग विद अस. दिस टोटल स्टेशन से हमको, जैसे ये मकान है, दिस इज वन एज, टॉप एज, दिस इज बॉटम एज, हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं बिल्डिंग की, दिस इज द लैटरल बाउंड्री, ये निकाल सकते हैं हम आगे जाके सकते हैं. जब हम फील्ड मेजरमेंट करने जाते थे तो लोग हमसे झगड़ा करने जाते थे, पता नहीं क्या करने वाले, हमारा मकान तो टूटेगा नहीं, ये तोड़ने वाले तो नहीं है, तो हमको पीछे जाने बहुत दिक्कत आती थी, पर हम ये लाइन निकालते थे, ये लाइन निकालते थे, और इधर से राइट एंगल सेट करके हमने इस तरह में, टोटल स्टेशन विल गिव यू एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन द ग्राउंड, इतना एक्यूरेट था, और इसमें टिल्टिंग वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल सब मेजर कर सकते थे टोटल स्टेशन. पहले सर्वे में हम सिर्फ हम लेवल यूज करते थे, मगर टोटल स्टेशन में एवरीथिंग, एंड इट वॉज अ कंप्यूटराइज दैट इट रिकॉर्ड द डेटा. आपको कोई फील्ड बुक लेके नहीं चलने का है, उसमें डेटा पूरा स्टोर जाएगा मेमोरी के अंदर, देन यू कैन ट्रांसफर द डेटा टू योर सिस्टम. दिस इज एडवांटेज. कैन आई हैव अ नेक्स्ट? या वंस अगेन, दिस इज एन एग्रीकल्चर एरिया, तो उसमें क्या होता है एग्रीकल्चर फायदा, एक लंबा स्पान मिल जाता है, मकान में कम मिलता है, लंबा स्पान मिल जाता है, एंड देन यू कैन मेजर एंड यू कैन गो फॉर एक्यूरेसी एस्टिमेशन ऑल्सो, क्योंकि जो ग्राउंड पे क्लियर लैग ब्रेड दिखेगी वो ईजी रहता है. Field photo with total station. Next, PPT banayi thi lecture ke liye. Next, yeah, this is, he is holding a GPS. ये जो बंदा है, इसके हाथ में एक global position से instrument है. वो यहाँ खड़ा रहता है. ये particular benchmark है यहाँ पे. उसने satellite से link किया ऊपर से GPS से, और इस point के latitude longitude निकाल लिया, central coordinate निकाल लिया, और इस central coordinate को हमने satellite image में transfer किया. इस ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट को हमने टोपोशीट मैप फील्ड मैप पे भी ट्रांसफर किया. यू वांट टू हैव लिंक विद एक्चुअल ग्राउंड, यू वांट टू हैव लिंक विद द स्पेस सैटेलाइट इमेज, तो उससे कोरिलेशन मालूम पड़ेगा कितनी एक्यूरेसी आई है. सो दिस वे यूज्ड, वी कॉल इट ग्लोबल. आजकल तो मोबाइल में भी GPS आने लग गए, सब आने लगे, उस वक्त भी आते थे, हमने हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज किया. नेक्स्ट, दिस इज अनदर बेंचमार्क. ये जो टावर आपको पोल दिख रहा है, ये पोल को हम सैटेलाइट इमेज में भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिखता था हमको सैटेलाइट इमेज. तो सैटेलाइट इमेज में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है इन सैटेलाइट इमेज, फिर हमने वो यूज किया GPS, उससे कोऑर्डिनेट्स कहाँ है, तो इन दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो हमको एग्जैक्ट हमारे फिक्सेशन ऑफ द ग्राउंड हो जाएगा, कि हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं वो कितना क्लियर कट है, हाउ मच इज द एक्यूरेसी, हाउ मच शिफ्ट इज देयर, कितना आ रहा है, क्योंकि सैटेलाइट डेटा आप ऊपर से ले रहे हो 1000 किलोमीटर से और एक ग्राउंड से ले रहे हो, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ इमेज डिस्टॉर्शन एंड एल्टीट्यूड एटीट्यूड एरर, हाइट का भी रहेगा, लेट लॉन्ग का भी रहेगा, तीनों एल्टीट्यूड, वी कॉल इट एल्टीट्यूड, वी कॉल इट एटीट्यूड. एटीट्यूड इंक्लूड्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. कैन आई हैव नेक्स्ट? वंस अगेन, दिस इज अ टावर. इस टावर हमको स्पेस में दिखती थी सर, तो इसका भी हमने लोकेशन निकाला इसको कोडिट करने के लिए. ये सब स्कीम 140 में, उस समय पूरी सब ओपन था, खाली था, कोई कुछ नहीं था. जो आप देखते ना GMB का वो तालाब, वो सब आएगा, जब आप जाते हैं ना, श्रीमाया होटल भी आता है, गुरु कृपा भी आता है, उधर से अग्रवाल पब्लिक स्कूल भी आता है. दिस इज द रोड लीडिंग टूवर्ड्स अग्रवाल पब्लिक स्कूल. नेक्स्ट, ये तालाब है. आजकल तालाब का एनक्रोचमेंट कर लिया, ये चौराहा आता है ना, आपको क्या बोलते हैं इसको, पिपलियाना बोलते हैं ना, ये पिपलियाना के तालाब था. अब इन्होंने तालाब को बंद करके यहाँ मल्टी बन गई है, ठीक है ना. एग्जैक्टली जो यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे एक GMB का आता है, और उसके आगे बढ़ोगे तो उसके वहाँ पे ये तालाब दिखता है, वेरी प्रोमिनेंट फीचर है.
अब देखिए उसकी क्या पोजीशन हो गई और अब क्या हो गया है 2013 में, इसका भी हमने जी लोकेशन दी थी। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। अब हमने क्या किया कि सैटेलाइट इमेज पे एक एक मकान को आइडेंटिफाई किया, एक एक मकान आइडेंटिफाई किया, ये पूरी कॉलोनी वाइज, इधर से ये एग्रीकल्चर कॉलेज हो गया, ये सेंट पॉल का इधर एरिया को आएगा, सब आएगा बताऊंगा आपको। हमने पूरा पूरे वार्ड 60 के आउटर बाउंड्री में सब आइडेंटिफाई किए। नेक्स्ट ये देखिए द एडवांटेज इज दैट यू कैन सप्रेस डेटा इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट में। हमने सप्रेस कर दिया ये कॉलोनी के लिए सिर्फ, कितना अर्बनाइजेशन हो रहा है ये पूरे पैचेस है 1, 2, 3। कैन यू गो एट द बैक, पीछे जाओ बैक स्लाइड। ये देखिए 1, 2 और 3 ये एग्रीकल्चर, ये पूरे दबा दिया हमने आगे। नेक्स्ट ये हमने पूरा दबा दिया एग्रीकल्चर, वी आर टॉकिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, वी डोंट नीड एग्रीकल्चर डेटा, वी डोंट वांट एग्रीकल्चर फील्ड्स। तो हमने पूरा का पूरा ये पूरा निकाला 1, 2, 3 पैचेस, दिस इज द नॉर्थिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेम, नाउ वी आर शोइंग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स बाय जीपीएस। ये जो पॉइंट है ये सब ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट है, ये सैटेलाइट इमेज के ऊपर है, ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, ये ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, बिकॉज दे आर द पॉइंट्स थ्रू विच यू विल मैप और यू विल कोरिलेट द सैटेलाइट इमेज विद द फील्ड डेटा और विद द ग्राउंड डेटा। नेक्स्ट या नाउ आई एम कमिंग टू वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पीडब्ल्यू। एक पीडब्ल्यू की टंकी है, पानी की टैंक है, अपन जाते हैं अपन तिलक स्टेचू से आगे बढ़ेंगे, पीडब्ल्यू टैंक आता है उसका, ये पूरा हमने मैप लिया था कि ये पानी की टंकी से कहां कहां पानी सप्लाई होता है एंड व्हाट आर द लाइंस, जो पानी की सप्लाई लाइंस है वो कितने इंच की है, कहां पे जॉइंट्स है, कहां पे बैंड हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, ये हमने ये वाटर सप्लाई का लिया था। नेक्स्ट सेम, हमने उसको सुपर सप्रेस करके ये पाइपलाइन निकाली हमने, कहां कहां से पाइपलाइन जा रही है। सो दिस पर्टिकुलर मैप विच वॉज अ ग्राउंड बेस्ड इंफॉर्मेशन, इसको हमने डिजिटाइज करके स्कैन किया, यू स्कैन द मैप डिजिटल, उसको वो कन्वर्ट करके उसको लेके आए इसके ऊपर। सो स्कैनर्स वर यूज्ड, देन वी हैव गॉट अ प्लॉटर्स आल्सो, देन वी हैड अ डिजिटाइजर आल्सो, यू टू डिजिटाइज, दिस इज अ डिफरेंट टेक्निक। डिजिटाइजेशन में एक एक्यूरेसी आएगी, स्कैनर में डिफरेंट इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये हमने पूरा नेटवर्क पानी का किया था, दिस वॉज फ्रॉम कृषि नगर टैंक। नेक्स्ट चलिए, ये लिंकेज पाइपलाइन का पूरा था कि लीजेंड्स थे कि कौन सी पाइपलाइन की क्या क्या डिटेल्स है, कितने सब हमने इंदौर के पीएचई डिपार्टमेंट से लिया था और नगर निगम से लिया था। व्हाट इज अप नेक्स्ट सेम, इट हैज बीन व्हाट यू कॉल, ये पूरा नेटवर्क को हमने सुपर इम्पोज किया है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज, डिटेल्स ऑफ दिस इज पाइपलाइन, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है, और कितने कितने लंबे में कहाँ कहाँ से निकल के जा रहा है पाइप, इनका लेंथ हाउ मच पाइप, क्योंकि जो सड़क पे पानी जाता है ना पाइपलाइन, तो 200 मीटर लंबा होता है, फिर टर्न लेके 100 मीटर होता है, फिर 50 मीटर होता है, फिर हमने एक एक सड़क रोड्स के लेफ्ट एक तरफ पानी की लाइन जाएगी, एक तरफ बिजली की लाइन जाएगी, ये नॉर्म्स है उसके अंदर। दिस इज डिटेल्स ऑफ पाइपलाइंस। नेक्स्ट, एक जमाने में अमोनिया प्रिंट निकलता था, आजकल तो सब डिजिटल हो गया। ये अमोनिया प्रिंट की ड्राइंग है, ये ड्राइंग आर्किटेक्ट इंजीनियर बनाता था, नगर निगम उसको अप्रूव करता था और ये उसके प्लॉट बाउंड्री होती थी, ये दरवाजा था, ये कंस्ट्रक्शन होगा। दिस वाज द ओल्ड टेक्निक फॉर गोइंग फॉर ऑलमोस्ट 100 ईयर्स, मतलब कि पुराना मैप्स के टेक्निक इंजीनियर्स अमोनिया प्रिंट पे काम करते थे। कैन आई हैव नेक्स्ट, अर्बन स्पॉल मैप, नेक्स्ट अर्बन ग्रोथ ट्रेंड एनालिसिस, नेक्स्ट एक मिनट ये सर, हाँ बोल, इसको स्किप कर दीजिए। हेलो स्पीड ऑन का क्वेश्चन, या दिस इज वंस अगेन वार्ड नंबर 63, वो प्लॉट्स का पूरा एरिया था, ये करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इस टाइम में भी इवेंट को आना। नेक्स्ट, दिस इज द शोइंग पार्ट ऑफ वॉट, ये मंदोमहल का एरिया है, ये दिस इज योर व्हाट यू कॉल बड़ी क्वाल्टोली,
एंड दिस इज यू कैन हैव अ डिफरेंट, हमने एक सेगमेंटेशन किया था और सेगमेंटेशन करके वॉट के अंदर से हमने एरिया को क्लासिफाई किया. दिस इज टू क्लासिफाई द इमेज कि कौन सा एरिया कहाँ कहाँ पे कैसा है, शोइंग पार्ट ऑफ वॉट नंबर 63. एंड दिस इज द रोड्स गोइंग इन बड़ी गोल टोली, यहाँ से निकल के रोड जा रही है पूरी, ऑल सैटेलाइट इमेज आइकन ऑफ इमेज. कैन आई हैव नेक्स्ट नेक्स्ट दिस इज हाँ दिस इज एग्रीकल्चर कॉलेज, दिस इज what you call गीता नगर, this is St. Paul School and this is that. तो ये हमने इसे लगाया कि लोगों को फेमिलिटी होना चाहिए कौन से एरिया में घूम रहे हैं हम, और इसको हम सुपर इम्पोज भी कर सकते हैं. एंड यू कैन सी दी ईच हाउस साइज ऑफ द हाउस, जबकि ये पीपीटी में आया ओरिजिनल इमेज में बहुत अच्छा दिखता है. पीपीटी में देयर इज अ लॉस ऑफ रिफ्लेक्टेंस वैल्यू आल्सो. कैन आई हैव नेक्स्ट नेक्स्ट वंस अगेन वार्ड नंबर 63 का पार्ट है. नेक्स्ट ये रिंग रोड जा रही है, दिस इज अ रिंग रोड, दिस इज एग्रीकल्चर एरिया. अब हमने क्या हुआ था कि डिफरेंट लैंड यूज हैं, आपको जमीन के ऊपर जा रहे हैं तो मकान भी मिलेंगे, एग्री एरिया होंगे, तो इनके एक्यूरेसी और मकान की एक्यूरेसी में रिजल्ट में डिफरेंस आएगा. इट इज वेरी इजी टू मेजर द फोर कॉर्नर्स, इट इज वेरी इजी टू मेजर द फोर, देयर इज अ वन सॉर्ट ऑफ, इसको बोलते हैं ना, एक थोड़ा ऑफ शूट है, ये एनक्रोचमेंट है कि ये इधर इधर घुस गया. तो सेटेलाइट इमेजरी में पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं होती, दिख जाता है कि किसने बेईमानी की और किसने ईमानदारी से अपना काम किया है उसके अंदर से. सो दिस इज ऑल रिंग रोड गोइंग ऑन दिस, एंड दिस आर द अर्बन स्प्रॉल. नेक्स्ट नाउ यू कैन आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी हाउस विच आई डन थ्रू माउस. हाँ, एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन की लेंथ थिकनेस होती है, वो थिकनेस क्या मिलीमीटर में भी मीटर में हो जाती है. एक ध्यान रखिएगा, हम पेंसिल से लिखते हैं, मेजर करते हैं पेंसिल की कितनी भी लंबी हो, नोच उसके नोच को भी, तो भी देयर इज अ थिकनेस इज देयर. सिमिलरली व्हेन यू आर यूजिंग अ माउस यू आर ड्राइंग द लाइन, बट लाइन हैज विड्थ आल्सो, लाइन हैज थिकनेस आल्सो, बट ओके देयर इज ऑलवेज अ एरर, यू मे कॉल इट एक्सपेरिमेंटल एरर सॉर्ट ऑफ अ थिंग. नेक्स्ट जैसे कार्टो सेट हुआ था, हमको मिला नहीं था इंडियन कार्टो सेट, वॉट है इंडियन सेटेलाइट, उसकी इमेज हमको जमी नहीं थी, बट इट हैज शोन हाउ कार्टो सेट, ये इनिशियल की बात है, बाद अब तो बहुत इंप्रूव है कार्टो सेट डेटा. नाउ वी आर नॉट वर्किंग ऑन आइकॉनस, वी आर वर्किंग ऑन कार्टो सेट ओनली नाउ. दिस नेक्स्ट हमने सब दिखाने की कोशिश की है इसके अंदर कि भाई हम कहाँ पे कैसे थे. ये दिस इज ऑल्सो शोइंग वॉट यू कॉल ग्रोथ ट्रेंड एनालिसिस, कि मकान टूट के मल्टी बनने लग गई यहाँ पे. All plots have been changed. ये जितने आपको झाड़ दिख रहे हैं सब काट दिए गए आजकल, इतने ग्रीनरी थी सब ग्रीनरी खत्म हो गई इस पास के एरिए की. यदि आज का इमेज देखेंगे आप, टूडेज इमेज, देन दिस ऑल विल बी वेरी डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज. नेक्स्ट सेम इमेज टू वही ट्रेंड एनालिस्ट पूरा दिखाते जाएंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट ओके पद्मावती कॉलोनी, ब्रजेश्वरी कॉलोनी, ये सब वार्ड 63 के. यू कैन सी हम 6-6 महीने में रिपीटेटिव कवरेज पता लगा सकते हैं, 15 दिन में पता लगा सकते हैं कि कौन सा मकान बना, कौन सा चेंज हुआ, कौन सा प्लॉट बिका, कहाँ से चेंज हुआ. नेक्स्ट यस सेम, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ एग्जॉस्टिव दिस वर्क वॉज, एंड दिस इज द स्लाइड जिसके लिए आप लोग बहुत सब्री से इंतजार कर रहे होंगे कब थैंक यू हो. तो टुडे एग्जैक्टली एट 9:30 जो टाइम दे रखा था मेरे को हमारे जैन साहब ने, शर्मा जी ने, हमने 2.5 घंटे में पूरा खत्म कर दिया. थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी पेशेंस लिसनिंग. आप लोग थके, मैं तो नहीं थका क्योंकि मेरे को बोलने की बहुत आदत है, और आज बड़े सालों बाद ऐसा मौका मिला कि मैं क्लास ले रहा हूँ. मैं 3 साल में रिटायरमेंट, मुझे मौका ही नहीं मिला, मिला ऐसा तो नहीं है. Thank you very much. I am prepared to answer if you have any questions. Yeah, questions are requested from the audience. Sharma ji, the questions nahi aate hai na? Sharma ji, sir. Sharma ji, iska do matlab hote hai. Main to logo ko kuch bhi samajh mein nahi aaya. Nahi nahi, logo bahut samajh mein aa gaya. Nahi sir, kafi samajh mein aa raha hai iske. मैंने पूछा ना, मेरा अनाड़ी आदमी ने पूछ लिया आपका सवाल, और क्या आप अनाड़ी हो ना, आप अनाड़ी हो तो दूसरे लोग क्या कहोगे यार. नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं जानता हूँ आपको.
अनाड़ी नहीं हो यार आप, अभी इस उम्र में भी इतना भाषण सुन रहे हो। हाँ, मैं भी रोज कल भी सुना था पूरा मैंने। Here the questions from Mohit Chauhan. You may ask the question, Mohit. Yeah, hello sir. मैं मोहित चौहान सर, मुझे एक्चुअली दो तीन क्वेश्चन थे। आपने सर जैसे बताया कि थ्रू शेडोज हम बिल्डिंग की हाइट वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग शेडोज रहेंगे उसके, तो उसके हिसाब से अलग अलग फॉर्मूलाज रहेंगे। तो जो गूगल अर्थ का इमेज आपने बताया था वो पूरा 3D बनाया था, ठीक है, तो वो उसका मतलब प्रोसीजर क्या रहता है? कुछ फॉर्मूलाज वगैरह तो रहेंगे लेकिन उसका पूरा क्या जो गो अहेड व्हेन यू कंप्लीट देन आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। नाउ शैडोज आर यूजफुल फॉर इंटरप्रिटेशन एंड दे आर एट टाइम्स दे आर क्रिएट प्रॉब्लम आल्सो, पहली बात तो। दूसरा ये कि शैडोज सैटेलाइट इमेज में बनती है एट व्हाट एल्टीट्यूड, पहली चीज। दूसरा एट व्हाट टाइम द इमेजरी वॉज टेकन, होता है 12 बजे जो सन सिर पे आता है तो शेडो इज जीरो। ईस्ट और वेस्ट में होता है, ईस्ट में सन होगा वेस्ट में जाएगा 12 बजे होगा। तो नॉर्मली द टाइम ऑफ फोटोग्राफी और टाइम ऑफ डेटा इज आइदर 10 to 12, इट इज 10 to 12 और इट इज बिटवीन 3 to 4 और 3 to 5, ऐसा लेते हैं, क्योंकि जो सन लाइट है वो डिग्री जो मेजर होगा 10 से 12 के बीच में वो इट विल गो अप टू 90 45 to 90 एंड देन अगेन 90 से उधर 120 की तरफ जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट होगा। तो उस वक्त शेडो के मिनिमम इफेक्ट आते हैं। और सी लेट मी टेल यू कि हर चीज रिमोट सेंसिंग से सब नहीं होगा, कुछ फील्ड इंफॉर्मेशन भी हमको लगती है ग्राउंड चेक के नाम पे, सो वी ऑलवेज हैव अ ग्राउंड चेक for accuracy estimation that how much accurate we are. There is one thing, one is photogrammetry and photo interpretation. Hum identify to kar lenge magar uska jab measurement karne jayenge usme, par aaj kal techniques bahut aa gayi hai, we can got accuracy of what you call even 1 meter also, koi hum kisi ko identify kar sakte hain hum log. Humne bahut sare aise cases nikale hain, GST Act ke andar bhi aise hue the ki bolna chahiye ki nahi chahiye, आई डोंट थिंक देयर इज अ हाइड इन। एक जीएसटी के लड़के का मर्डर हो गया, ये 2008 या 10 की बात है, वो हॉस्टल में रहता था एंड हिज बॉडी वाज फाउंड बिटवीन देवास एंड उज्जैन, देवास और उज्जैन के बीच में उसके बॉडी पाई गई। तो सुसाइड हो गया, पुलिस केस बना, हम उस वक्त डीन थे जो भी थे, तो पुलिस वाले भी आए कलेक्टर भी आए, तो हमने क्या किया उससे मोबाइल से लोकेशन ढूंढना शुरू की, मोबाइल कम्युनिकेशन से, कि वो हॉस्टल से निकला, निकल के वो स्टाली टावर पे आया, वहां 10 मिनट रुका, वहां उसने चाय पी, वहां से निकला वो तो रेलवे स्टेशन गया, रेलवे स्टेशन घूम फिरता रहा, वो दिखा नहीं, आधा घंटे बाद दिखा, फिर ट्रेन में बैठा, ट्रेन में देवास गया, देवास के बाद में कहां रहा मालूम पड़ा नहीं, उसके बाद में देवास से उसके उज्जैन ट्रैक पे, देवास उज्जैन ट्रैक पे उसकी बॉडी पाई गई। तो वी कुड लोकेट दैट ही हैज लेफ्ट एट 10 o'clock और 9 o'clock, आई डोंट रिमेंबर टाइम, और देवास पहुंचते पहुंचते 5-6 घंटे का हमको ट्रैक मिल गया। उस 5-6 घंटे वो कितने लोगों से मिला, किसने लोगों, वो पुलिस वाले ने काम किया, वो जाके किसी लड़की से मिला या किसी लड़के से मिला या पिताजी से मिला, क्या किसने उसको किडनैप किया। बट दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वॉज पॉसिबल, दो नथिंग टू डू विथ शेडो, आई एम टेलिंग यू। बट उस लड़के का हमने जब शेडो इसलिए आ गया कि वो लड़का सड़क पे खड़ा है, तो उसको हमको उसके शर्ट के कलर से, शर्ट के डिजाइन से, उसकी हाइट से, हमने जीएसटी निकल के हॉस्टल के बाहर पकड़ा, हमने स्टडी टावर पे गया, तो हमने पूरा उसका एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट से इमेज को सुपर इम्पोज करके निकाला गया, एंड वी कुड डू टू सर्टेन लिमिट। उसके बाद में हम लोगों ने हिसाब, उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं, हम नहीं कर सकते इसको, वो थी भी नहीं इंफॉर्मेशन बाद में। तो इंटेज का कुछ भी कहें, मगर ये सब चीजें सेटेलाइट इमेज कहो, मोबाइल से कहो, कि मोबाइल एक चीज ध्यान रखिएगा, मोबाइल आपको पूरी लोकेशन दे देता है, ठीक है ना, मोबाइल में आप क्या कर रहे हो वो भी दिख जाता है, ठीक है ना, एवरीथिंग। तो टेक्नोलॉजी है, तो दिस इज हाउ वी यूज। हाँ, बट समटाइम्स सैटेलाइट इमेज, सैटेलाइट इमेज या इमेज तो लोअर एल्टीट्यूड में काम आती है, आई एम श्योर यू मस्ट बी कन्विंस विद माय आंसर। एनी सर, एक और क्वेश्चन था सर,
अभी हम वर्टिकल मतलब ऊपर से पूरा जो सैटेलाइट इमेज ले रहे हैं और 2D इमेज इस पे वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई रिसर्च अभी हो रही है या हुई है जिससे 3D इमेज के ऊपर कुछ डेवलपमेंट हो सके, लाइक हाँ बिल्कुल चल रहा है। सैटेलाइट से हम हाँ बिल्कुल, थ्री वी आर इमेज। गेटिंग थ्री डायमेंशनल पिक्चर, वी हैव गॉट अ सेंसर, नॉट इट इज अ नॉन इमेजिंग सेंसर, ये फोटोग्राफी नहीं लेता है, इट इज टेकिंग एनालॉग डेटा और इट इज अ स्कैन डेटा, एंड वी आर कन्वर्टिंग दिस स्कैन डेटा इनटू अ थ्री डायमेंशनल पिक्चर, लाइक दैट इज गूगल अर्थ जैसा सर? हाँ। नहीं, मैं फिजिकल इमेज की बात कर रहा हूँ सर। ऐसी कोई कोई भी टेक्नोलॉजी है कि पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है, फिजिकल बट में मीन्स यूजिंग आप बोल रहे हैं। ग्राउंड बेस्ड कैमरास, फिजिकल मीन्स ग्राउंड बेस्ड, जमीन के ऊपर कैमरा से इंफॉर्मेशन लेना। हाँ, मतलब जमीन के ऊपर कैमरे से इंफॉर्मेशन हम जैसे लेते हैं, वैसा कोई सैटेलाइट को टिल्ट करके या कुछ कैलिब्रेशन करके ऐसा कोई मतलब अराउंड 70 डिग्री तक भी फोटो इमेजरी आए, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है सर ऐसा अभी? होता है, सेटेलाइट को हम टिल्ट कर सकते हैं। आज जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूँ, मेरे हॉल में, एक हॉल में बैठा हूँ मैं, और मेरे साथ में हर्षवर्धन भी है, पांडे जी भी बैठे हैं, ठीक है। अब इनको पता लगाना है हम तीनों क्या है, बदमाश है, जो भी है, क्या करते हैं मालूम नहीं, हम क्या क्या, हमको लोकेट करना है। तो जो एजेंसी है जो हमारा इनपुट निकालना चाहेगी, तो वो सेटेलाइट को लेके आएगी यहाँ पे, टचिंग द एटमोसफियर, बिकॉज एटमोसफियर के नीचे आएंगे तो ग्रेविटेशनल पुल से सेटेलाइट नीचे गिर जाएगा, इट विल बी टचिंग द एटमोसफियर, और वो एटमॉस्फेयर में लाके ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट पे मेरे घर के वहां लेके आएंगे, मेरे घर पे सेटेलाइट को, एंड नॉट इवन फॉर अ मिनट, हाफ अ मिनट में सेटेलाइट नीचे एटमॉस्फेयर नीचे टच करेगा, और जैसे टच करेगा और वो कैमरा फोटोग्राफ लेके ऊपर चला जाएगा, तो सेटेलाइट गिरेगा नहीं, एक एंगल। फिर दूसरे एंगल से लेके आएंगे तो जो खिड़कियां हैं उससे मेरी इमेज मिल जाएगी उनको, तो दैट इमेज विल बी अ रॉ इमेज, और उस रॉ इमेज को ये प्रोसेस करके उसकी इमेज क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेंगे। फिर जो टिल्टेड था, टिल्ट दी 45 डिग्री है, 70 डिग्री है, उसको 90 डिग्री करेंगे, और जिसे अभी आपको मैं सप्रेस किया ना डेटा, तो मेरे घर की जो वॉल्स है उसको सप्रेस कर देंगे और मेरा एक पुतला दिख जाएगा उनको। तो पुतले में क्या, मैंने पहनी है ब्राउन शर्ट, हमारे इन्होंने बोला हरा स्वेटर, इन्होंने चौकी की शर्ट पहनी है, तो डिफरेंट रिफ्लेक्टेंस रहेगा ए बी सी का, और उनके पास में आर्टिफिशियल में पुलिस रिकॉर्ड में मेरा फोटोग्राफ भी होगा, मेरे इमेज भी होगा, वो सब निकाल के बता देंगे ये कौन कहाँ क्या कर रहा है। वो तो टिल्ट ऑफ द सैटेलाइट टिल्टिंग दैट इज ऑल पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और बताइए थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? बातें सर, मेरा पूछिए। एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, बिल्कुल। पंचल सर है क्या? पंचल सर हाँ है जी सर। सर नमस्कार। और एक नहीं, पांच पूछो प्रश्न है, बड़े दिनों नहीं बाद नहीं कॉल कर। हाँ पूछिए बस एक पूछिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं रिमोट सेंसिंग अगर कर रहा हूँ और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में ट्रैक कर रहा हूँ, तो जो टाइम लैग जो आएगा, ये सैटेलाइट से जो ट्रांसमिट हो रहा है फिर रिसीव हो रहा है, तो टाइम लैग को मैं कंपनसेट कैसे करूंगा कि मेरे को इसकी एक्यूरेट एक्यूरेट पोजीशन मुझे मिल जाए? जस्ट देखिए, लाइक अभी सिक्योरिटी में जो डिफेंस है उसमें वो ट्रैकिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो जैसे पाकिस्तान के बाउंड्री वगैरह पे आजकल ये सब स्टार्ट हो चुका है, तो एक्यूरेट मेरे को चाहिए कि अभी कोई अंदर बाउंड्री में आया है नहीं आया। इट इज नोन एज मॉनिटरिंग रिक्वायर्स मैनेजमेंट ऑल्सो, यू कैर बोथ, यूर यू वॉन्ट टू ना, योर ऑब्जेक्टिव इज दैट यू वॉन्ट टू आइडेंटिफाई दी पर्सन ऑन द पाकिस्तान बाउंड्री, हाउ मच दे आर मूविंग एंड वेयर दे आर गोइंग। यस कारगिल सर। वॉल में, कारगिल वॉल में यही हुआ था, कारगिल वॉल के जो टोपोग्राफी है वो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, पहाड़ वैली थी, तो उसमें क्या होता था, बोलना तो नहीं चाहिए, वो उसमें क्या होता था कि पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे, एक वैली में बम फूटा तो भाग के जाते थे दूसरी तरफ, एंड देवर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 10 to 20 मीटर, और 10 से 20 मीटर उनको चल के समा के जाने में 2 या 3 मिनट लगते थे, तो उनको मालूम था कि ये किस तरफ भागेंगे, और जैसे उस तरफ भागते थे तो हमारा सेटेलाइट उस तरफ पहुंच जाता था, उस डायरेक्शन में। होता क्या है कि आज यदि मेरे को GSTN से मंदोमा का जाना है तो मैं जंजीरा चौराहे आऊंगा, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि मैं स्टारलिट घूम के यशवंत निवास रोड से आऊंगा, उधर से MG हाई कोर्ट के सामने से, तो मुझे मालूम है कितने ऑप्शन हैं, तो उस ऑप्शन को मेरे को ट्रैक करना, लोकेट करना पड़ेगा। तो वो जहाँ जाते थे वो विदिन मिनट्स 2 मिनट, वो इतना इतना हाई रिजोल्यूशन था उसका, सेटेलाइट का, सेंसर्स का, कि वो नंबर ऑफ पर्सन आइडेंटिफाई कर लेते थे, और जैसे ऑन इमेज नॉन इमेज इंफॉर्मेशन थी वो, ना बोलना से मुझे प्लेटफॉर्म बोलना नहीं चाहिए, इट वॉज आई डोंट नो, बट इट वॉज प्रोसेस्ड एंड इट वॉज ट्रांसफर्ड एंड वी हैव दैट
दैट वाज यूज्ड फॉर दैट फॉर आर्टिफिशियल वॉर जीतने के लिए था. तो टाइम लैग जो बोलते हैं ना उसकी लिमिट रहती है, ऐसा नहीं है कि हर एक मिनट में मिल जाएगा, एक मिनट में तो आदमी सैटेलाइट वहीं पे कवर कर लेगा. ओके, और टैंक की स्पीड अलग होगी, एक जीप की स्पीड अलग होगी. तो जीप हर स्पीड दैट यू हैव टू फ्रॉम एक्सपीरियंस सर्टेन थिंग्स कम्स. हाँ बोलिए मंजर. ओके ओके सर, या गॉट द आंसर. मींस इसमें जो है कहीं ना कहीं हमको थोड़ा टाइम लैग कंपनसेट करना पड़ेगा सर्किट साइड से भी, और ये जो आ रहा है रेडार साइड से भी, तो कहीं ना कहीं हमें कैलकुलेशंस भी करने पड़ेंगे और इस हिसाब से हमारे डेवलपमेंट भी. मनीष एक चीज बोल देता हूँ, आई एम फ्रॉम एप्लीकेशन पेपर, आई एम एप्लीकेशन पर्सन. मैंने सेंसर्स पे काम किया है, आई वर्क ऑन मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स दैट इज लॉन्ग बैक. बट सैटेलाइट्स के पेलोड्स पे काम करना इतना मौका नहीं मिला. मेरा एक डिसिप्लिन रिमोट सेंसिंग में एप्लीकेशंस के रहा. अब हम सैटेलाइट बना रहे हैं तो सैटेलाइट में एंटीनास भी आता है. सैटेलाइट के अंदर इफ यू आर वर्किंग ऑन अ पेलोड्स देन एक्स बैंड एंटीना बना लो, बैंड एंटीना जो आपके एसके जींस, आप लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले वो बताते हैं. बट जब जो डेटा बना के दोगे तो यूज हम करेंगे. डेटा लेना और वो आपकी जिम्मेवारी होगी. मींस आपके मतलब कि इवन पर्टिकुलर डिसिप्लिन पीपल. ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम. रितिका भी आ रही है, उसको भी वोट ऑफ थैंक्स देना है ना अभी तो उसको. रितिका मैम जी सर, या बस कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम यू आर ऑलरेडी. यस सर, मैं नॉर्मली क्या करता हूं कभी-कभी कि थोड़ी देर बाद लोगों को बोलता हूँ कि अपना अपना वीडियो ऑन कर दो तो पता चलता है कि कितने लोग हैं और कितने लोग कहाँ हैं. okay, तो लोग अपने डीपी डालने में बड़े जोश में रहते हैं और यहाँ पे जो है बोलते हैं अरे रहना तो यार. व्यवहार साहब देखो हमने 7:30 से शुरू किया था, अभी भी शेर बुड्ढा हो गया है. अभी ढाई घंटे की क्लास ले सकता है, समझ आ गया? टाइगर जिंदा है, टाइगर जिंदा है, ठीक है कि नहीं? अभी भी इस एज में आके अभी बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, एक्सपीरियंस रहता है, स्टैमिना रहता है, फिर ये तो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है. नहीं बहुत अच्छा मजा लगा, इट वाज प्लेजर लिसनिंग टू यू, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेज गेनिंग लेक्चर. बहुत फंडामेंटल बोला मैंने सर, बेसिक बोला, बिल्कुल बेसिक बोला. बिल्कुल बिल्कुल मजा आया सर, बहुत मजा आया. हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस किए, जियोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल, अर्बनाइजेशन, लिनियामेट एनालिसिस, प्रेडिक्शन ऑफ अर्थक्वेक, इपिसिलेशन ऑफ अर्थक्वेक. 45 इयर्स की जो जो आपके एफर्ट्स थे वो सब अभी रिफ्लेक्ट होके आए यहाँ पे. जब तक मैं कॉलेज में था तब मैं रिफ्लेक्ट नहीं होते थे. नहीं मतलब ऑडियंस के लिए हम तो जानते ही हैं. मेरी इमेज है ना बस, मतलब रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा हूं मैं, बंद कर दूं यानी तो बोलना बंद कर दूंगा. एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड सर. हेलो, थैंक यू, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट. अरे रुको रुको, आपको थैंक दे रही है रितिका. रितिका वीडियो ऑन कर सर. यस सर प्लीज, बदनाम हो जाएंगे हम. बोलते चैनल तेरा वीडियो तो ऑन करो. हां श्योर सर. क्या तू चैनल को एडिट कर सकते हो क्या? हां नो नीड टू एडिट सर. Good night.